Hello viewers, assalamu alaikum. Today we will be making a very special bundi, homemade bundi. Aap kaise bana sakte hain? For that we will start making. We need one large bowl. Iske saath hame ek chalni chahiye. Hum isko chhanenge sabne ya sab ingredients ko. I have my little helpers with me today to help me out. So first we will add 1 cup of besan in it. Yeah, so how we will add? ये 1 cup हमने बेसन डाल दिया है. Now we will add 1 tablespoon मैदा, all-purpose flour. Next we will add 1 teaspoon of baking powder. Do remember, baking powder, not baking soda. We will stir it very well. हम इसको छान लेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई lumps ना रहे. Now we will add water gradually. We will add water slowly, slowly. ऑलमोस्ट 1.5 cup ऑफ वाटर जाएगा इसके अंदर. सो दिस इज द एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए होगी टू मेक इट. देखें, नाउ वी विल ट्रांसफर इट इनटू टू स्मॉल बॉल्स. नाउ यू हैव सीन कि हमने इनको 4 different बॉल्स में ट्रांसफर कर लिया है. जो येलो कलर है उसके लिए हम थोड़ा बेसन ज़्यादा निकाल लेंगे और बाकी में हम थोड़ा थोड़ा अपना फूड कलर ऐड करेंगे. तो ये मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लू कलर थोड़ा सा, एंड फॉर रेड आई बी हैप्पी. चलें अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं. ये हमने कर लिया ग्रीन कलर को अच्छे से मिक्स. देन वी हैव अ ब्लू कलर. एंड साथ ही हम ये रेड कलर भी कर लिया. ठीक है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये फ्राई जब होंगे तो ये मज़ीद अपना कलर जो है ना वो छोड़ देंगे, ब्राइट हो जाएंगे. तो चले अब हम इसकी फ्राइंग के प्रोसेस पे चलते हैं. शुगर सिरप बनाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे. उसमें हम डालेंगे 1 cup ऑफ शुगर. साथ ही इसमें हमारा 1 glass ऑफ वाटर चला जाएगा. इसको हम अच्छे से डिसॉल्व करेंगे. तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो ये हमारा शुगर सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा. ये शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है और ये देखें, ये इसका थोड़ा सा थिक सा सिरप रेडी हो गया. अब यहाँ पे इस स्टेज में आप क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1/2 teaspoon रोज वाटर ऐड कर देंगे. ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा स्टिर करें. नाउ ये अब आपका शुगर सिरप जो है वो रेडी हो गया. फ्लेम ऑफ कर दें. अब हम आते हैं बूंदी की फ्राइंग की तरफ. हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे और साथ ही ये देखें, ये स्पून है. आपको ऐसा होल्स वाला स्पून चाहिए होगा बूंदी निकालने के लिए. तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थोड़ी सी इसमें यूं इसको बेसन डाल के देखेंगे. ये देखें, ये एकदम फ्लोट होके ऊपर आ गई है तो इसका मतलब है ये आपका ऑयल जो है वो रेडी है. ये अब हम इस पर स्टार्ट करेंगे. ये हम अपना बेसन डालेंगे और ये
इसको हमने यूं कढ़ाई के साथ टैप करना है। ये देखें, ये हो गई है बूंदी। अब हम इसको निकाल लेंगे इसमें से, और ये ऐसे हमने इसको एक प्लेट में और निकाल लेना है। ऐसे ही हम बाकी सारे कलर्स को भी कर लेंगे, और फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। ये अब हमने ब्लू कलर ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये हमने बूंदी निकाल ली है सारे कलर्स की। अब हम इनको दोबारा एक दफ़ा फ्राई करेंगे और सही से क्रिस्पी कर लेंगे, ठीक है। ये हमने हाफ कुक निकाल ली थी, अब हम इनको वापस दोबारा फ्राइंग ऑयल में डालेंगे और इसको सही से क्रिस्पी करके हम निकालेंगे, ठीक है। चले यहाँ तो करते हैं। अच्छा, अब की बार हम क्या करेंगे, हम सारे कलर्स की बूंदी को एक साथ ही कंबाइन कर देंगे। और लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखेंगे, अब हमने फ्राई कर लिया, ये ऑलमोस्ट हो गई है। अब ये देखें, आवाज आनी चाहिए जिस तरह, ये देखें, ये देखें, इतने क्रिस्पी हो जाने चाहिए आपके बिफोर यू पुट देम इन द शुगर सिरप। ये देखें, इसको हमने एक ट्रे में टिश्यू पेपर रख के निकाल लिए। अब हम इसको अपने शीरे में डालेंगे। ये देखें, ये हमने शीरे में डाले हैं। अब हम बहुत ज़्यादा देर इसको सोक नहीं करेंगे शीरे में, और इसको निकाल लेंगे। ये देखें, इसलिए हमने इसका एक छलनी में इसको निकाल लेना है, ताकि एक्सेस जो सिरप है वो हमारा ड्रेन हो जाएगा। और ये देखें, ये हो गया है बनाना रेडी। इसको सर्व करें और खाएं, एंड प्लीज डू गिव योर फीडबैक।